खाड़ी से उठे रिमाल तूफान ने जबरदस्त तबाही मचा दी है। रिमाल बंगाल के तट पर 120 किलोमीटर की गति से टकराया है और इससे बची जो तबाही है उसमें 7 लोगों की अब तक मौत की जानकारी मिल रही है। बंगाल से बांग्लादेश तक इसने भयंकर तबाही मचाई है। बंगाल में कई जगह पेड़ उखड़ गए हैं, जबरदस्त बारिश हुई है। आज शांत होकर अब ये जो तूफान है आगे बढ़ा है, लेकिन अब बिहार के कई जगहों पर तेज बारिश और तूफान का अलर्ट मिल रहा है। एक सौ 35 किलोमीटर की रफ्तार से आए बवंडर ने बंगाल से बांग्लादेश तक तबाही मचा दी। समंदर में उठे इस तूफान की पहली डरावनी तस्वीर जिसने भी देखी उससे अंदाजा हो गया था कि रिमाल अपने साथ कितनी बर्बादी लाने वाला है। तैयारी पूरी थी, लेकिन जब कुदरत हमला करती है तो उससे बचना मुश्किल होता है। ठीक ऐसा ही हुआ जब रिमाल पूरी ताकत के साथ बंगाल के तटों से टकराया। सावधान सावधान सावधान, ये जानकारी आपको भारतीय तटरक्षक की तरफ से दी जा रही है। समुद्र में तूफान आ रहा है, आपसे अनुरोध है कि आप नजदीकी बंदरगाह की तरफ चले जाएं। सावधान सावधान सावधान। 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आए तूफान ने कई घरों की छत को उड़ा दिया। एक झटके में सैकड़ों पेड़ उखड़ गए, दीवारें ढह गईं और चारों तरफ चीख पुकार मच गई। कोलकाता में पुरानी बिल्डिंग की बाउंड्री वॉल गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। तूफान के साथ आई बारिश ने पूरे शहर को पानी में डुबो दिया। इन इलाकों में पहले ही मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया था और 1,00,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया था। चक्रवाती तूफान रिमाल के बांग्लादेश के तटीय इलाकों में पहुंचने के बाद कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई और लाखों लोगों को बिना बिजली के रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। रिमाल के तट से टकराने पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने लगी और सैकड़ों गांव में पानी भर गया। One death has taken place in Kolkata due to wall collapse, and there have been uprooting of trees due to rains and heavy winds, and that the restoration work is under progress. NDRF teams are deployed, 14 teams are deployed in major affected areas. बंगाल के दीघा में भी डरावनी लहरें दिखाई थी। जैसे ही चक्रवात रिमाल आया, बारिश की मोटी चादर से समुद्र तट धुंधला हो गया। पानी का तेज बहाव मछली पकड़ने वाली नौकाओं को अंदर तक बहा ले गया। निचले इलाकों में मिट्टी और फूस के घरों को तबाह कर दिया और खेतों में पानी भर गए। हावड़ा में तो तूफान का खौफ ऐसा था कि वहां रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के पहियों को चेन से बांध दिया गया था। रेलवे अधिकारियों को आशंका थी कि 135 किलोमीटर की रफ्तार से आए तूफान कोच को भी डीरेल कर सकता है। रिमाल को लेकर मौसम विभाग ने एक और अलर्ट जारी किया है। ये अलर्ट बिहार को लेकर जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार के आधा दर्जन जिलों में रिमाल का असर देखा जा सकता है। मौसम विभाग का दावा है कि बिहार में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। बंगाल और बांग्लादेश में कहर बरपाने के बाद तूफान का रुख असम की तरफ है और वहां हाई अलर्ट पर है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ऑफिस का एक ऑफिसर हाफ पैंट और टी शर्ट में पहुंच गया। इसके बाद करीब आधे घंटे तक जमकर हंगामा हुआ। इतना ही नहीं, वहां पर मौजूद कर्मचारी को कहने लगा कि मैं समाज को कुछ देने के लिए निकला हूं, मुझे यहां सभी कर्मचारी समझते हैं, मैं कर्मचारी नहीं अधिकारी हूं। इस पूरे घटनाक्रम का वहां पर मौजूद दूसरे कर्मचारियों ने वीडियो बना लिया। मामला सामने आने के बाद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव कैलाश चंद शर्मा ने राजेश कुमार ने टेक चंदानी अधिकारी को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही आदेश जारी किए गए हैं कि वो बिना अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। स्टाफ ने आकर के बताया कि साहब अपना बोर्ड का एक कर्मचारी है जो बाहर हंगामा कर रहा है। जब मैंने पता किया तो शैक्षणिक शाखा के जो निदेशक हैं उन्होंने बताया कि इस कर्मचारी ने यहाँ